डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज क्लास हम लोग ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले चौथे चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आइए चलते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पांचवें चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसका नाम है दोस्तों एमीन, ठीक है। क्या नाम है इसको? एमीन, ठीक है। अब इस एमीन वाले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यू सीरीज से, नए तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर अमीन क्या होता है, अमीन का पहचान क्या है। तो अब टॉपिक, ये तो चैप्टर हुआ, अब टॉपिक भी लेंगे हम लोग अमीन, ठीक है। अमीन के फर्स्ट एरो में लिखेंगे अमोनिया के एक या अधिक, अमोनिया के एक या अधिक एल्कील मूलक द्वारा, अमोनिया के एक या अधिक एल्कील मूलक द्वारा एल्कील मूलक द्वारा प्रतिस्थापन होने से, प्रतिस्थापन होने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं, जो यौगिक प्राप्त होते हैं वे एमीन कहलाते हैं, वे एमीन कहलाते हैं। देख लो भाई, अब एमीन किसको कहेंगे, तो इसके एग्जांपल्स में आप देख पाएंगे। सबसे पहला बात, एग्जाम्पल वन, एमीन का फार्मूला ये होता है NH3। उसका स्ट्रक्चर होता है चारों तरफ से तीनों तरफ से HH जोड़ दिया, NH3। अगर दोस्त इसका जो प्रतिस्थापन हुआ कोई एल्किल मूलक द्वारा हुआ, यानी कि हाइड्रोजन हटा और R आकर जुड़ गया, इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, N इधर से H, इधर से H और यहाँ R, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और R आकर जुड़ गया। R को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कील मूलक, क्या बोलते हैं इसको, एल्कील मूलक, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्कील मूलक के साथ होगा तब हम उसको बोलेंगे एमीन। अच्छा, जैसे मान लिया कि अमोनिया है, देखिए ये हो गया अमोनिया, अमोनिया का मतलब क्या कि NH3। अगर मान लिया कि इस हाइड्रोजन का भी दूसरे R से प्रतिस्थापन हो गया और इस हाइड्रोजन का भी दूसरे R से प्रतिस्थापन हो गया, यानी हाइड्रोजन हटा R जाकर जुड़ा, ऐसा हम लोग मैक्सिमम तीन गो R जोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों को ना हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ। तो कुल मिलाकर एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन जब एल्किल मूलक यानी कि R के साथ प्रतिस्थापन होता है तब हम उसको बोलते हैं एमीन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ R और यहाँ R, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों का अमोनिया है और अमोनिया से ही हम लोग बना सकते हैं एमीन। कैसे बनेगा एमीन भाई, तो हाइड्रोजन का एल्किल मूलक के साथ प्रतिस्थापन करके, ठीक है। जब प्रतिस्थापन किया जाए तब हम लोगों को बनता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग यही एमीन में सीखे हैं कि अगर अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन किसके साथ प्रतिस्थापन हो, एल्किल मूलक के द्वारा अगर प्रतिस्थापित हो तब उसको हम लोग
एमीन कहते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देख लो भाई, नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन है, अभी इसको अमोनिया बोलते हैं। अगर इसका प्रतिस्थापन हम लोग कर दिए आर के साथ, इसका प्रतिस्थापन आर के साथ, इसका हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आर के साथ, इसका मतलब कि तीनों हाइड्रोजन को हटाकर और इसके जगह पे हम लोग आर आर को जोड़ सकते हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? एन से जुड़ गया आर, एन से जुड़ गया आर, एन से जुड़ गया आर, तब पर भी इसको हम लोग बोलेंगे एमीन। ठीक है, यानी कि एमीन का पहचान क्या है? तो एमीन का पहचान है कि नाइट्रोजन से कम एगो कार्बन जुड़ा हो, चाहे तो दो गो कार्बन का चेन जुड़ा हो, चाहे तो तीनों तरफ कार्बन का चेन जुड़ा हो। समझ में आया? तो एमीन का यही पहचान है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एरो देंगे। ये जो सब सारा एग्जाम्पल लिखे हैं ना, एग्जाम्पल के नीचे एरो देना है, एग्जाम्पल का सेन के नीचे एरो देंगे। लिखेंगे एमीन के यौगिक प्रोटीन प्रोटीन कॉमा हार्मोन कॉमा विटामिन में पाए जाते हैं। एमीन के यौगिक प्रोटीन कॉमा हार्मोन कॉमा विटामिन में पाए जाते हैं। बिल्कुल, एमीन का जो यौगिक है, यानी कि ये हम लोग अभी सीख रहे हैं कि एमीन कहाँ कहाँ मिलता है। तो आप दाल खाते हो तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, पता होना चाहिए कि दाल में सबसे ज़्यादा, चाहे आप किसी चीज़ का दाल खाते हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों। और वो प्रोटीन काम करता है आपकी हाइट को वृद्धि करने के लिए। प्रोटीन का काम है कि आपके शरीर में की लंबाई को वृद्धि करना, इसलिए अक्सर बोला जाता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दाल पीने को दीजिए। ठीक है, कम से कम 1 गिलास दाल भी दीजिए ताकि उसमें जल्दी ग्रोथ आए। ठीक है, और बहुत सारा का आई मीन में हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसके वजह से बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से देख पाते होंगे आप, किसी किसी का बाल दाढ़ी बहुत पहले ही आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है, उसमें हार्मोन अपना कार्यशील करता है। और विटामिन जान ही रहे तो उसमें एमीन की मात्रा भी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट एरो लिखेंगे लिखेंगे नेक्स्ट एरो उसके नीचे एमीन के यौगिकों का उपयोग एमीन के यौगिकों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। एमीन के यौगिकों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। औषधि का मतलब दोस्तों दवाई के रूप में। बिल्कुल, एमीन से हम लोग याद रखेंगे कि दवाई भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अब दवा का नाम ही देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और एफेड्रिन, ध्यान दीजिएगा, एड्रेनलिन और एफेड्रिन रक्त दाब को बढ़ाने में, रक्त दाब को ब्रैकेट में लिख देंगे बीपी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। दूसरा दूसरा नोवोकेन कॉमा स्थानीय निश्चेतक के रूप में, स्थानीय निश्चेतक के रूप में। देख लीजिए, नोवोकेन क्या है? ये दवा हो गया, मेडिसिन हो गया, जिसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? एमिन की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम लोग सुन करने में, किसी स्थान को, शरीर के किसी स्थानीय भाग को सुन करने के लिए यूज करते हैं। उस दवा का नाम क्या है? नोवोकेन। और इस नोवोकेन में एमिन की मात्रा भी पाई जाती है। तो एड्रेनलिन और एफेड्रिन ये बीपी को बढ़ाता है, जिससे मान लीजिए किसी भी
व्यक्ति का बीपी अगर घट जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए बढ़ाना होगा, तो उस बढ़ाने के लिए कौन सा हम लोग दवा देते हैं? एड्रेनलिन और एफेड्रिन। इसमें किसकी मात्रा होती है? एमिन की मात्रा होती है। तो कुल मिलाकर ये इसीलिए हम लोग बोले कि एमिन के यौगिकों का उपयोग कहाँ करते हैं? तो औषधि के रूप में करते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि एमीन के प्रकार। टॉपिक देंगे एमीन के प्रकार, ये हम लोगों को टॉपिक। तो एमीन के प्रकार हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए उसके नीचे लिखा जाए एमीन के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। एमीन के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। नंबर वन, प्राइमरी एमीन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक है। फिर दूसरा है सेकेंडरी एमीन, ठीक है, जिसको हम लोग 2 डिग्री एमीन कहेंगे। फिर तीसरा टाइप से इसका टर्सियरी एमीन, टर्सरी को बोल देंगे 3 डिग्री एमीन, ठीक है। प्राइमरी एमीन 1 डिग्री, सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री, टर्सियरी 3 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी एमीन किसको कहेंगे, सेकेंडरी एमीन, टर्सियरी एमीन किसको किसको कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबका छोटा छोटा पॉइंट्स में डेफिनेशन लिख लिया जाए। तो प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन लिखा जाए, एक नाइट्रोजन के परमाणु एक कार्बन से जुड़ा हो तो, एक कार्बन से जुड़ा हो तो वह प्राइमरी एमीन कहलाता है, वह प्राइमरी एमीन कहलाता है। लिखा जाए सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एक नाइट्रोजन के परमाणु, एक नाइट्रोजन के परमाणु दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो, दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो सेकेंडरी एमीन कहलाता है, सेकेंडरी एमीन कहलाता है। फिर लिखा जाए टर्सरी एमीन, टर्सियरी एमीन लिखा जाए, इसमें एक नाइट्रोजन के परमाणु, एक नाइट्रोजन के परमाणु तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो, तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो वह टर्सियरी अमीन कहलाता है, टर्सियरी अमीन कहलाता है। तो देख लीजिए अमीन के तीन टाइप होता है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी। प्राइमरी किसको कहते हैं? जब एक नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा रहा। सेकेंडरी कब बोलते हैं? जब एक नाइट्रोजन दो कार्बन से जुड़ा रहेगा। और टर्सियरी कब बोलते हैं? जब एक नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे तीनों का देख लिए हुए हैं कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन किसको कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है दोस्तों, अगले दिन हम लोग देखेंगे कि आखिर किसको हम लोग 1 डिग्री अमीन कहेंगे, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।